जम्मू कश्मीर में आतंकियों के हमले में शहीद पांच कुमार का पार्थिव शरीर उनके घर पर लाया जा चुका है। इस वक्त आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में लोग यहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। यहां पर देख पा रहे हैं यहां जो पार्थिव शरीर है वो पहुंचा हुआ है और हर तरफ वंदे मातरम के नारे लगे हैं, साथ पाकिस्तान के भी नारे लगे हैं। जो पूरा गांव है शामली का श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ा हुआ है और लोग कहीं ना कहीं जो अपने गांव अमर रहे है उसको अमर रहे पर गर्व कर रहे हैं। जिस तरीके से कश्मीर में हमला जो आतंकी हमला हुआ था बस पर, उसके बाद उस हमले में जो प्रदीप कुमार है वो शहीद हुए थे, उसके बाद अगर आप देखें यहां पर तो आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं वो यहां पर पूरा हुजूम यहां पर इकट्ठा हुआ है और दूर तक ये अंतिम यात्रा निकाली गई। उसके बाद यहां पर लेकिन साथ ही साथ अपने जवान है गर्व भी है। लेकिन इस हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा है, शामली में यहाँ भी काफी ज्यादा है। पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले में बिहार के दो लाल भी शहीद हो गए, रतन ठाकुर और संजय कुमार सिन्हा। रतन ठाकुर भागलपुर के रहने वाले थे और संजय सिन्हा पटना ही के पास मसौढ़ी के रहने वाले थे और उनका पार्थिव शरीर अब इस वक्त हम देख सकते हैं कि पटना एयरपोर्ट पे लाया जा चुका है जहां पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। और इसके बाद इन दोनों के पार्थिव शरीर को पहले भागलपुर और मसौढ़ी ले जाया जाएगा। रतन कुमार ठाकुर के पार्थिव शरीर को भागलपुर और उसके बाद संजय सिन्हा के पार्थिव शरीर को मसौढ़ी ले जाया जाएगा, जिसके बाद उनका वहां पर अंतिम संस्कार होगा। और यहां हम तस्वीरें दिखा सकते हैं कि कई दिग्गज नेता जो यहां पहुंचे हुए हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पर आए हुए हैं, उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। साथ ही उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी हैं, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं और केंद्रीय मंत्री भी आए हुए हैं, रविशंकर प्रसाद, रामकृपाल यादव। और इन सभी लोगों ने यहाँ पर पटना एयरपोर्ट पर ही श्रद्धांजलि दी जा रही है इन दोनों शहीदों को, ये बिहार के सपूतों को। और जिसके बाद फिर इनके गणतंत्र स्थल पे इनके पार्थिव शरीर को भेज दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये आतंकवादी हमला हुआ है जिसमें कई सीआरपीएफ बहादुर सीआरपीएफ जवानों की जान चली गई है, उससे पूरा का पूरा देश जो है वो सदमे में है। लेकिन मांग हमेशा उठ रही है बार बार यही कि बदला लेने की ज़रूरत है। जो लोग परिवार वालों से हमने बात की है वो चाहते हैं सरकार कार्रवाई करे इन आतंकवादियों के खिलाफ जो इस तरीके की कायराना हरकत को अंजाम दे रहे हैं।